प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पुस्तक से ली गई है, जो पेज नंबर 237 पर 13वां उदाहरण है। आज की प्रॉब्लम है, एक रेखा का समीकरण 3x-4y+10=0 है। इसके नंबर एक ढाल, नंबर दो x अप और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इसकी सहायता से आपसे तीन बातें पूछी हैं। एक तो ये पूछा गया है इस रेखा का ढाल कितना है, दूसरी बात ये पूछी गई है x इस रेखा के लिए x अंतःखंड कितना है और y अंतःखंड कितना है। x अंतःखंड कितना है, इसका मतलब यह है आपको ये ज्ञात करनी है ये सरलरेखा x अक्ष को किस अंतःखंड में काटती है या x अक्ष पर कितना लंबाई का अंतःखंड काटती है। और y अंतःखंड का मतलब यह है आपको ये बताना है कि ये रेखा y अक्ष पर कितने मात्रक का या कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रेखा का ढाल निकालेंगे। रेखा के ढाल निकालने की कई विधियां हैं, मेरे लिए विचार से जो सरल विधि है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा रेखा का दिया गया समीकरण 3x-4y+10=0। तो जब रेखा का समीकरण हमारे लिए दिया होता है तो सबसे पहले उसको हम ax+by+c=0 के रूप में लिख लेते हैं। इस रूप में लिखने का मतलब यह है x वाले पद LHS में सबसे पहले, उसके बाद y वाले पद, उसके बाद अचर पद और RHS में जीरो कर लेते हैं। क्योंकि इस प्रश्न में जो प्रश्न दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसमें ये रूप पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पर RHS में जीरो है, इसलिए हमें इस रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। x के पद पहले है, उसके बाद y के पद है, उसके बाद अचर पद है और RHS में जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जब हम समीकरण को इस रूप में लिख लेते हैं तब हम इस दिए गए समीकरण की मानक समीकरण ax+by+c=0 से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम a का मान निकाल लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं। जब हम a और b का मान ज्ञात हो जाता है तभी हम इन की सहायता से रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता को n कहते हैं, ढाल को m कहते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने तुलना करी तो हमारे लिए a का मान प्राप्त होता है 3 और b का मान प्राप्त होता है अर्थात y का गुणांक बराबर b बराबर प्राप्त होता है 4। अब यदि हमें x का गुणांक a और y का गुणांक b ज्ञात है तब रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता m बराबर होती है -a/b। ये माइनस जो है वो सूत्र का है, ये सूत्र का माइनस लगता रहेगा और a और b के मान जो निकल कर आए हैं वे लगा देंगे हम, तभी हमें रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। तो हमें m का मान प्राप्त होता है माइनस ये सूत्र का आ गया, a का मान 3 लगा दिया अंश में और हर में b का मान -4 लगा दिया और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इस मानस से ये मानस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें m का मान अर्थात रेखा की ढाल प्राप्त हो जाती है 3/4। इस प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा प्रश्न का पूरा हो गया। अब हमारे लिए रेखा का x और y अंतःखंड ज्ञात करना है। इसके लिए रेखा के दिए गए समीकरण को हम अंतःखंड रूप में लिख लेते हैं। अंतःखंड रूप का मतलब यह है जब किसी दिए गए समीकरण को हम x/a+y/b=1 के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम रेखा के दिए गए समीकरण को हमने अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर लिया। अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने का मतलब यह है RHS में प्लस का 1 होना चाहिए, LHS में x का गुणांक अंश में 1 होना चाहिए और बकाया सभी राशि x के हर में होना चाहिए। यहां पर x का गुणांक भी जो है चिन्ह माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पर चिन्ह माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। x का गुणांक अंश में 1 होगा और हर में जो शेष राशि है वह गुणांक भी हो जाएगा। अंश के और हर के लिए इस प्रकार से सेट करने के बाद हम a और b से दिए गए समीकरण की तुलना कर लेते हैं।
ए का मान जो प्राप्त होता है वह एक्स अंतःखंड की लंबाई होती है, अर्थात रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है, और बी का मान जो है वह वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है। तो हम सबसे पहले इस दिए गए समीकरण को इस रूप में परिवर्तित करेंगे। तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? हमारा दिया गया समीकरण है 3x - 4y + 10 = 0, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक के रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले ये हम अचर राशि जो है कांस्टेंट राशि जो है पॉजिटिव के 10 है प्लस के 10 है इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 3x - 4y = -10। अब चूंकि आरएचएस में प्लस का एक होना चाहिए इसलिए हम इस पूरे समीकरण को -10 से भाग कर देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 3x - 10 - 4y - -10 = -10 - 10। आरएचएस में अंश के -10 को हर के -10 से सिंप्लीफाई करेंगे, भाग देंगे तो आरएचएस में हमें प्राप्त हो जाएगा एक। क्लियर? और यहां पर हम इसको इस रूप में लिखने के लिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x/10/3 नेगेटिव के। तो यहां पर हमें प्राप्त होता है x - 10/3। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 2/10/4 और आर एस में इसमें एक प्राप्त हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे 5 यहां पर आ जाएंगे 2 यहां पर हो जाएंगे। तो यह अंतःखंड रूप में परिवर्तित होने के बाद हमें फल प्राप्त होता है रेखा के समीकरण को अंतःखंड के रूप में लिखने पर हमें फल प्राप्त होता है x - 10/3 + y / 5/2 = 1। अब जब यह हमारा रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में आ गया तो इस समीकरण की हम x/a + y/b = 1 से तुलना कर लेंगे। तो हमने लिखा x/a + y/b = 1 से तुलना करने पर यह जो हमारा x में हर का राशि है वह a है और y में जो हर की राशि है वह b है तो हमें a का मान प्राप्त होता है -10/3 मात्रा और b का मान प्राप्त होता है 5/2 मात्रा। क्लियर? इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त होता है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर a बराबर -10/3 मात्रा, अर्थात हमें रेखा का एक्स अंतःखंड या एक्स अंतःखंड या रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई -10/3 मात्रा प्राप्त होती है। अब हम बाह्य अंतःखंड याद करेंगे तो रेखा का बाह्य अंतःखंड जो होगा रेखा द्वारा बाह्य अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का मान होता है बी के बराबर और बी का मान निकल के आया हमारा 5/2 तो बी के स्थान पर हम लिख देंगे 5/2। तो इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होता है वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर 5/2 मात्रा। इस प्रकार से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए इस प्रॉब्लम में ये जो हमारे लिए रेखा का समीकरण दिया हुआ है इसका यदि हम कार्तीय तल पर चित्र बनाएंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा एक्स अक्ष है पॉजिटिव का, ये एक्स अक्ष है नेगेटिव का, ये वाई अक्ष है पॉजिटिव का इधर का और ये वाई अक्ष है नेगेटिव का और ये हमारा मूल बिंदु है। तो इस रेखा का समीकरण का चित्र हम जब बनाएंगे तो चित्र ये बनेगा। तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये है इतना। अब चूंकि ये अंतःखंड मूल बिंदु से बाई ओर है इसलिए इसका मान जो है ऋणात्मक आया है और ये वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो है वह एक्स अक्ष से ऊपर की ओर है इसलिए इसका मान धनात्मक 5/2 आया है और ये रेखा जो है एक्स अक्ष से ये वाला कोण बना रही है इस कोण की प्रवणता जो होती है हम उसको बोलते हैं टेन अल्फा और टेन अल्फा को हम एम से दर्शाते हैं तो एम का मान हमें प्राप्त हुआ था -3/4। क्लियर? तो इस तरह से इस रेखा की प्रवणता हमारे लिए प्राप्त हो जाती है 3/4 अर्थात रेखा जो है एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट का मान जो है 3/4 के बराबर है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।